दोस्तों मोहम्मद शमी क्या आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलेंगे? वहीं आईपीएल 2025 के रिटेंशन रूल्स अनाउंसमेंट हो चुके हैं, तो कितने प्लेयरों को टीमें रिटेन कर सकती है और कौन कौन से वो प्लेयर्स होंगे जिनको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रिटेन करेगी, इस वीडियो में आपको आज की पांच सबसे बड़ी अपडेट देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो रहने वाली है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वीडियो में अंत तक बने रहना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। वैसे दोस्तों आईपीएल से जुड़ी हर छोटी बड़ी नई अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगी। तो आइए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आईपीएल 2025 को लेकर के हमें हर दिन कई बड़ी और नई अपडेट देखने को मिलते हुए आ रही है, तो आज की सबसे पहले जो बड़ी अपडेट है वो है चेन्नई सुपर किंग के टारगेट प्लेयर को लेकर के। तो चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल 2025 में दो बड़े खिलाड़ियों को टारगेट करने का मन बना लिया है, जिनमें रविचंद्रन अश्विन और मोहम्मद शमी नाम शुमार है। मोहम्मद शमी और रविचंद्रन अश्विन को आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग जो है टारगेट करने वाली है। कई रिपोर्ट की माने तो चेन्नई सुपर किंग जो है मोहम्मद शमी और रविचंद्रन अश्विन को टारगेट करके अपने टीम में शामिल कर सकती है और जो है दीपक चहर को यह टीम रिलीज कर देगी। वहीं दूसरी जो अपडेट है रिटेंशन रूल्स को लेकर के, तो आईपीएल 2025 के रिटेंशन रूल्स को लेकर के बीसीसीआई के हवाले से काफी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है कि टोटल पांच प्लेयर्स होंगे जिनको टीमें रिटेन कर सकती है, और इन पांच प्लेयरों में से तीन इंडियन और दो ओवरसीज को टीमें जो है आईपीएल 2025 के लिए रिटेन कर पाएंगे। तीसरी जो अपडेट है आरटीएम कार्ड को लेकर के, तो जैसा कि कई दिनों से रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही थी कि आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में आरटीएम कार्ड का भी इस्तेमाल किया जाने वाला, आरटीएम कार्ड के जरिए कुछ खिलाड़ियों को टीमें अपने स्क्वाड में शामिल कर पाएंगे, लेकिन अभी ये बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही कि आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में टीमें आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में नहीं होगा। वहीं चौथी जो अपडेट है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के रिटेन प्लेयर्स को लेकर के, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जिन पांच प्लेयरों को आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले रिटेन करेगी, उनमें सबसे पहला जो नाम है विराट कोहली, दूसरा जो नाम है विल जैक, तीसरा जो नाम है मोहम्मद सिराज, चौथा जो नाम है रजत पाटीदार और पांचवा जो नाम हो सकता है यश दयाल का। इन पांच प्लेयरों को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जो है रिटेन कर सकती है आईपीएल 2025 के लिए। जबकि पांचवी और बड़ी जो अपडेट है वो है एमआई के न्यू कोच को लेकर के, तो रिपोर्ट की माने तो आईपीएल 2025 के लिए युवराज सिंह से मुंबई इंडियंस की बातचीत चल रही है कोच के पद के लिए, तो ऐसे में मुंबई इंडियंस के नए कोच जो है युवराज सिंह आईपीएल 2025 में जो है बन सकते हैं। तो दोस्तों ये रही हो आज की पांच सबसे बड़ी अपडेट, आपको इनमें से कौन सी अपडेट आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।